हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसिपर डी कैप्सूल के बारे में, जो कि यह कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गैस की समस्या को दूर करने के लिए, पेट से जुड़ी हुई और भी अनेकों प्रकार की समस्या को दूर करने में यह दवा काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं रेसिपर डी कैप्सूल के बारे में। इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन का क्या काम है, कौन कौन से कंडीशनों में इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, क्या नुकसान हो सकता है, किसे नहीं लेना है, यह सभी जानकारी हम यह वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं रेसिपर डी कैप्सूल, जो कि आपको यह 20 mg और 40 mg में अवेलेबल हो जाता है। 15 कैप्सूल की पैकिंग है और 210 से 220 रुपए की प्राइस में आपके पास मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपको दो तरह के इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पहला कॉम्पोजिशन है डोमपेरिडोन, जो कि हर एक कैप्सूल में आपको 30 mg, और इसोमेप्राजोल मैग्नीशियम ट्राइहाइड्रेट, जो कि हर एक कैप्सूल में आपको 40 mg अवेलेबल हो जाता है। अब यह दोनों ही कॉम्पोजिशन का क्या काम है, तो डोमपेरिडोन जो कि एक तरीके का एंटी इमेटिक क्लास से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है, इसके साथ ही साथ इसमें आपको एंटी इन्फ्लुएंस और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो कि अपच जैसी समस्या, खट्टी डकार आना, छाती में जलन जैसा महसूस होना, बहुत लंबे समय तक खाली पेट में रहने के कारण पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, तो उन सभी कंडीशनों में डोमपेरिडोन काफी अच्छे से काम करता है। जिम में चलाना, उल्टी करने का मन करना, तो इन सभी कंडीशनों में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें इसोमेप्राजोल मिल जाता है, जो कि यह एक तरीके का प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, और यह एंटासिड, एंटी रिफ्लक्स एजेंट और एंटी अल्सरेटिव प्रॉपर्टी के साथ आता है, जो कि पेप्टिक अल्सर होने की समस्या होती है, आंतों में सूजन हो जाता है, आंतों में छाले हो जाते हैं, खट्टी डकार आती है, ऐसा महसूस होता है कि खाना गले तक है, छाती में जलन होने लगती है, बहुत लंबे समय तक गैस बनता है, तो उन सभी कंडीशनों में काफी अच्छे से काम करता है। इसके साथ ही साथ GERD के पर्पज में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज के पर्पज में भी इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। बहुत ज्यादा गैस बनने के कारण पेट फूलने की समस्या होती है, पेट में अफरा बनता है, भूख नहीं लगता है, बहुत लंबे समय तक गैस बनने के कारण कब्ज हो जाती है और मुंह से बदबू आता है, तो इन सभी कंडीशनों में भी यह काफी अच्छे से काम करता है। यह इनके फायदे हैं। बात करें इस दवा का क्या डोज है, तो आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, और इसे जब भी इस्तेमाल करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यह दवा का इस्तेमाल खाली पेट करना है। खाना खाने से पहले 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट पहले आप इस दवा का इस्तेमाल करें, जिससे आपको काफी बेहतरीन रूप से फायदा देखने को मिलता है। पर इसका डोज का कन्फर्मेशन और इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की देख देख में करते हैं, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। क्या नुकसान है, अगर आपको सूट नहीं करता है तो त्वचा में लालीपन, बहुत ज़्यादा नींद आना, भूख ना लगना, बेचैनी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द होना, घबराहट होना, इस तरीके के बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। किसे नहीं लेना है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, आपको किसी प्रकार का कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में कोई मेडिसिन का कोर्स चल रहा है, तो उन सभी कंडीशनों में आप इसे इस्तेमाल ना करें। तो यही था रेसिपर डी कैप्सूल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।